हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की, क्लास एट साइंस का ये टॉपिक है। हमने दो वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। नाउ ये वीडियो बहुत ही मजेदार है और बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। क्लास एट के सारे क्वेश्चन आंसर भी इसमें समझ में आ जाएंगे आपको बिना उनको रटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, मतलब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल इंसानों और पौधों में अपनी बीमारी पैदा नहीं करते हैं, वो जानवरों को भी बीमार करते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। जैसे कि एंथ्रैक्स एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि इंसानों में होता है, पशुओं में होता है बैक्टीरिया की वजह से। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। और भी बीमारियां जो पैरों में हो जाती हैं, पशुओं के मुंह में हो जाती हैं, वो वायरस की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, कौन सी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं पौधों में, देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि हमारे वीट, मतलब कि आप कह सकते हो गेहूं, चावल, आलू, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और भी कई पौधों में लग के उन्हें बीमार कर देती हैं। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और इन बीमारियों की वजह से वो जो पौधा होता है वो अपने फल नहीं दे पाता है या उत्पाद अपना कम कर देता है। अब हम 2.2 टेबल देखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि कौन सी बीमारियां कब होती हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये फैलती किसके माध्यम से हैं, और उनकी फिगर भी हमें दिया गया है उन बीमारियों। जैसे ये सबसे पहला फिगर आपको दिया गया है, सिट्रस है ये सिट्रस मतलब आंवला है ये, और आंवले में ये बीमार दिख रहे हैं, काला काला धब्बा हो गया है। नाउ सबसे पहली बीमारी है सिट्रस कैंकर, ये केवल खट्टे फलों में होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ वीट, ये एक ऐसी बीमारी है जो फंगी की वजह से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हवा और शीट्स। नाउ एलो वेन ऑफ मोसाइक ऑफ भिंडी, अब भिंडी में ये बीमारी होती है जो कि वायरस की वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से, मैंने ये वायरस का नाम लिख दिया है, मोनोपैराटाइट बेगमो वायरस है जो कि एलो वेन मोसाइक बीमारी को पैदा करता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट्स से ये फैलता है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, अब हम कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाती हैं या पैदा नहीं होती हैं। फूड पॉइजनिंग, सबसे पहले फूड पॉइजनिंग के बारे में जान लेते हैं। आपने सुना होगा कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया और वो बीमार पड़ गया है, देखते हैं। बूझो वॉज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया अपने पार्टी में और वहां पर वो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें खाता है। ऑन रीचिंग होम, जैसे ही वो घर पे पहुंचता है उसको उल्टियां होने लगती हैं, ठीक है। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसको घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर कहता है ये इसकी हालत किस वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। अब पहली सोचती है कि खाना कैसे जहर बन सकता है, खाना पॉइजन कैसे बन सकता है। अब हम पहली को बताएंगे कि खाना कैसे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, वो अगर हम कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लें जो कि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जिन्हें खराब कर दिया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती हैं जो हमारे अगर जो फूड, जो हमारी खाने की चीजें होती हैं, अगर उसमें वो पैदा हो जाएं तो टॉक्सिक सब्सटेंस को जहरीली पदार्थ छोड़ती हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और यही जहरीली पदार्थ पूरे खाने को पॉइजनस बना देती है, जहरीला बना देती है, कॉजिंग सीरियस इलनेस, और कभी कभी बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है इससे, यहां तक कि मौत भी हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खानों को प्रिजर्व करके रखें, उसे बचा के रखें, उसको खराब ना होने दे।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हम खाने को कैसे बचाएं। चैप्टर वन में आपने पढ़ा है कि वी हैव लर्न्ड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने उन मेथड्स उन तरीकों के बारे में समझा था जो कि कैसे हम अपने फसलों के जो हमारे अनाज होते हैं उसको हम कैसे बचा के रख सकते हैं कि वो सड़े ना। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम पके हुए खाना को कैसे बचाएं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। हम जानते हैं अगर हम ब्रेड को या रोटियों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं। फंगस मतलब उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल और फूड, जो हमारे खाने को खराब कर देती हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और खराब खाना एक बहुत ही गंदी बदबू को छोड़ता है और उसकी टेस्ट भी बहुत खराब होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या खाना खराब होना एक केमिकल रिएक्शन है क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। पहली बॉट सम मैंगोज, पहली ने कुछ आम खरीदे, बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन वो कुछ दिनों तक उसे खा नहीं पाती है। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, और कुछ दिनों बाद वो जब उसे खाना चाहती है तो वो देखती है कि वो सारे मैंगोज खराब हो चुके हैं, सड़ गए हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उसे पता था कि जब मेरी दादी माँ अचार बनाती है तब भी तो वो आम को काट के डालती है, तो वो खराब क्यों नहीं होता। अब इस बात पे वो कंफ्यूज है। नाउ हम देखेंगे, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। हम अपने घरों में खाने को कैसे बचा के रख सकते हैं, पके हुए खाने को, हम उन्हीं तरीकों के बारे में समझेंगे। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें उन खानों को क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना लग जाए, जिससे हम बीमार ना हो, इसलिए हमें उन खानों को बचा के रखना है। अब कौन कौन से तरीके होते हैं, 5-6 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला है केमिकल मेथड। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नमक और कुछ खाने का तेल ऐसा होता है दैट आर यूज्ड, वो आमतौर पे यूज होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे। नमक और तेल, आप जानते हो अचार में भी नमक और तेल का यूज होता है, इसी वजह से हमारे जो अचार होता है उसमें फंगस नहीं लगते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। और इसी के लिए साल्ट्स और एडिबल ऑयल मतलब नमक को और खाने वाले तेल को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, अब जो हमारे खाने को खराब होने से बचाए उसी को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड्स प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने जैसा बताया कि हम अपने अचार में नमक डालते हैं या कुछ ऐसे एसिड डाल देते हैं जिससे हमारे अचार खराब नहीं होते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। अब ये दो केमिकल्स दिए हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, इन दोनों का काम क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये खाना को बचाने का काम करती हैं, मतलब इन्हें खराब नहीं होने देती हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स। अब ये दोनों केमिकल जैम्स में यूज होते हैं, हमारे सॉस में यूज होते हैं, ताकि वो जैम और सॉस खराब ना हो सके और वो हम जब खरीद के लेके आते हैं तब भी हम लंबे दिनों तक उसे यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरा मेथड क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम केवल नमक के यूज से भी खाने को बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो हमारा साधारण नमक होता है वो मीट और मछलियों को बहुत सालों से वो खराब ना हो, खाने लायक रहे, इसलिए मीट पर और मछलियों पर क्या नमक छिड़क दिया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट होती है और जो हमारा फिश होता है, मछली होती है, अगर हम उसको बहुत समय तक रखना चाहते हैं तो उसको हम नमक से ढक के रखते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोस, टैमारिंड एसेट्रा। नमक का जो ये जो नमक छिड़कने की जो प्रक्रिया है ना, वो आमला पर भी छिड़काव होता है, कच्चे मैंगोस पर भी छिड़काव होता है, टैमारिंड मतलब इमली होता है, इमली पर भी हम नमक छिड़क देते हैं ताकि ये चीज़ें खराब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय सुगर, हम चीनी की मदद से कैसे खाने को बचा सकते हैं। जैम जो होती हैं, जो जेलीज होती हैं, जो चॉकलेट्स हम खाते हैं और जो मीठी मीठी स्क्वैसेस होती हैं, उनको भी बचाया जाता है सुगर के माध्यम से, मतलब उसमें नमक मिला दिया जाता है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं होते हैं। क्या करता है सुगर, सुगर क्या करता है, सुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर। सुगर क्या करता है, नमी, जो पानी की मात्रा है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया पैदा नहीं होते और खाने को खराब नहीं करते हैं। नाउ चौथा मेथड क्या है, तेल और सिरके की मदद से भी हम खाने को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर
prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. अब तेल और सिरका का यूज होता है अचार में ताकि बैक्टीरिया पैदा ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया तेल और इन एसिडिक चीजों में सर्वाइव नहीं कर सकता है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाई दिस मेथड. सब्जियों को भी, फलों को, मछलियों को और मीट को भी इसी तरीके से तेल और सिरके की मदद से बैक्टीरिया पैदा ना हो इसलिए बचाया जाता है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, मतलब ठंडा और गर्म करके भी हम खानों को उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. तुमने देखा होगा कि तुम्हारी माँ क्या करती है, दूध को उबालती है उसको प्रयोग करने से पहले या उसको रखने से पहले दूध को उबाल देती है ताकि वो फट ना जाए, ठीक है, और ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि बॉइलिंग किल्स मिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि पानी उबालना या खाने उबालने से क्या होता है, उसकी सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाती हैं. ऐसे ही अगर हम फ्रिज में खाने को रख दें तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पैदा होंगे और हमारा खाना बचा रहेगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब बहुत ठंडा जब हो जाता है, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं होते हैं. नाउ व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल. अगर हमने सोचा होगा तो ये हमारे दिमाग में जरूर आया होगा कि जो पैकेट का दूध होता है वो खराब क्यों नहीं होता, तो ये क्यों नहीं होता, ये पैस्चराइजेशन की वजह से होता है. इसकी माँ ने बताया कि वो जो दूध होते हैं वो पैस्टराइज होते हैं. अब ये पैस्टराइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से सुनना. पैस्टराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विथआउट बॉइलिंग. जो पैस्टराइज मिल्क होता है, जो पैस्टराइज जो पैकेट का दूध आता है, उसको बिना उबाले भी हम पी सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बीमारी पैदा करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होती हैं. द मिल्क इज हीटेड. अब पैस्टराइजेशन में क्या होता है, दूध को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे उसे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, और उसके बाद उसे ठंडा कर दिया जाता है और तुरंत स्टोर कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है. बाय डूइंग सो, इस तरीके से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस दूध में पैदा नहीं होता और दूध खराब नहीं होता. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैस्टराइजेशन कहते हैं. कैसे पैस्टराइजेशन, फिर से मेरे साथ बोलो, जब दूध को गर्म करके फिर से ठंडा कर दिया जाता है उसी को पैस्टराइजेशन कहते हैं. समझ गए, चलो नेक्स्ट छठवां तरीका देखेंगे कि कैसे हम खाने को बचा सकते हैं. बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, मतलब उसको स्टोर करके उसको ऐसे कंडीशन में रख दिया जाए जहां पर वो खराब ना हो, या पैक करके भी अगर हम खाने को रखें ना तब भी हम खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं. जैसे कि हमने देखा होगा कि दीज डेज, इन दिनों ड्राई फ्रूट्स जो काजू बादाम ये सब होते हैं ना, इवन वेजिटेबल्स, यहां तक कि जो हमारी सब्जियां भी होती हैं, वो क्या करते हैं, सील, पन्नियों में सील करके बेचा जाता है ताकि कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें और वो खराब ना हो. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उतनी ही मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे. यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 और 7. तुमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में अपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं. इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स. इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये लेगुमिनस प्लांट्स क्या होता है, फलदार पौधे हम इन्हें कहते हैं, जैसे हमारा मटर का पौधा हो गया, ठीक है. लेगुमिनस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है ना, ये नाइट्रोजन को खींचती हैं और लेगुमिनस प्लांट्स का जो रूट होता है उसमें इकट्ठा करती हैं. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स. राइजोबियम कहां रहता है, वो रूट के नोड्यूल्स में रहता है. अब नोड्यूल्स क्या है, ये देखो आप फिगर देख रहे हो ना, ये नोड्यूल्स लिखा हुआ है, ये यही होता है नोड्यूल्स और यही होता है राइजोबियम. वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है और पूरा नाइट्रोजन प्लांट्स को देता है. आगे हम पढ़ते हैं, रिकॉल दैट, ये हम पढ़ चुके हैं, सच एज बीन्स एंड पीस. ये एग्जांपल दिया है कि जैसे बीन होता है, सेम हो गया हमारा, मटर हो गया, ये है लेग्यूमिनस प्लांट्स विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सिम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, और बायोटिक मतलब जीना, साथ साथ जीने को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो. जैसे लेगुमिनस प्लांट्स के साथ जब राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है तो लेगुमिनस प्लांट्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. जब कभी कभी हमारे बादलों में एकदम बिजली कड़कती है ना,
उससे भी नाइट्रोजन, हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पौधों में बढ़ जाती है। अब ये कैसे होता है, जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो बिजली कड़कने के दौरान ऑक्सीजन गैस से मिक्स होती है और हमारे पौधों में जाके मतलब पौधे उसे खींचते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स या और भी जो प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन तुम जानते हो क्या, जब नाइट्रोजन हमारी प्लांट्स खींचते हैं फिर भी नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम क्यों नहीं होती। अब हम यही पढ़ेंगे इसमें, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये पढ़ेंगे, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहले ये देख लो, आप ये लेग्यूमिनस प्लांट का नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स यहां पर है और राइजोबियम बैक्टीरिया आपको ये नोड्यूल्स के बगल-बगल में रूट हेयर्स होते हैं, उन्हीं के बगल-बगल आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिल जाएंगे। नाउ नाइट्रोजन साइकिल क्या है, साइकिल मतलब आप जानते हो घूम-फिरकर वहीं पर आना। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट होता है, फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको क्या है कि आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हम जानते हैं हमारे वातावरण में लगभग ज्यादातर 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन्स में होता है, क्लोरोफिल में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, विटामिन्स में होता है, तो कहीं ना कहीं हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नाइट्रोजन पे ही डिपेंड हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम जानवर या हम इंसान उसे डायरेक्टली तो कंज्यूम कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम हवा को पीते थोड़ी हैं कि नाइट्रोजन हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लेते हैं, देखते हैं इसको। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी, कुछ बैक्टीरिया होती है और कुछ ब्लू ग्रीन अल्गी का मतलब मैंने बताया था काई, ठीक है, ये मिट्टी में पहले से ही प्रेजेंट रहती है और क्या करती है, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इंटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये एटमोस्फियर से क्या करती है, नाइट्रोजन को खींचती है और मिट्टी में लाके उसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देती हैं। जब एक बार वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, एक बार जब ये नाइट्रोजन प्रयोग करने लायक बन जाता है ना मिट्टी में आके, तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ये पौधों द्वारा क्या कर लिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन रहता है वो पौधे अपने रूट्स, अपने जड़ों के माध्यम से उसे खींचते हैं। अब उससे क्या होता है, नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब इन नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स प्रोटीन पैदा करती है और भी बहुत सारे कंपाउंड्स पैदा करती है। अब जो जानवर एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब जो जानवर इन पौधों को खाते हैं या इनके फल को खाते हैं उनके अंदर ये नाइट्रोजन चला जाता है, ये प्रोटीन चला जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब वही प्लांट्स या वही जानवर मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्टेस इंटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स टू बी यूज बाई प्लांट्स अगेन। और जब यही प्लांट जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है या जो एनिमल्स जो नाइट्रोजन को खा चुके हैं जब ये मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी जो कि मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्टेस को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, और ताकि पौधे जो दूसरे पौधे हैं उसको फिर से यूज कर सकें। सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ अदर बैक्टीरिया, कुछ और भी बैक्टीरिया होती हैं जो कि कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, जो कि क्या करती हैं उन नाइट्रोजीनियस वेस्टेस को, जैसे देखो कुछ बैक्टीरिया तो नाइट्रोजीनियस वेस्टेस को कंपाउंड्स में बदल देती हैं और कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में बदल देती हैं जो कि वापस एटमॉस्फियर में चला जाता है, और जिस वजह से जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है हमारे वातावरण में वो बना रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। तो इस तरीके से ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल खत्म हो जाता है। ये मैंने जितना भी अंडरलाइन पॉइंट किया, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, तो आप अगर ये पूरी अंडरलाइन पॉइंट्स को अच्छे से समझे हो तो आप बता देना। अब यही पूरा फिगर है, आप इस फिगर को भी बना देते हो तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से निकलता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जाता है, ये सारी चीजें मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, आप एक बार फिगर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर ओवर होता है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय।